नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होंडा सीवी शाइन 125 के बारे में। और फ्रेंड्स, होंडा की ही सीवी शाइन एसपी 125 के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो पूरा इसी वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीवी शाइन के इंजन के बारे में। तो आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SI इंजन दिया जा रहा है। SI यानी कि स्पार्क इंजेक्शन इंजन मिलता है। 124.73 सीसी का इंजन दिया जा रहा है। 10.30 PS की पावर जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 7500 के RPM में, और 10.30 NM का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 5500 के RPM में। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सीवी शाइन SP के इंजन के बारे में। तो आपको वही सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SI इंजन दिया जा रहा है, यानी कि स्पार्क इंजेक्शन इंजन मिलता है 124.73 सीसी का, और सेम पावर 10.30 PS की पावर जनरेट करता है इंजन एट द रेट ऑफ 7500 के RPM में, और 10.30 NM का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 5500 के RPM में। अगर बात करें जो चेंजेस किए गए हैं इंजन से रिलेटेड, वो है ट्रांसमिशंस में। आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशंस इसके अंदर दिए जा रहे हैं, और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आपको मिलती है 0 to 60 ये गाड़ी पहुंचती है 9.57 सेकंड्स के अंदर। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सीवी शाइन के डायमेंशन के बारे में। तो आपको 2012 mm की लेंथ दी जा रही है, 762 mm की आपको वृत्त मिलती है, और 1090 mm की यानी कि 1090 mm की आपको हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1266 mm का मिलता है। 157 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। 790 mm की सीट हाइट मिलती है 790 mm की, और 123 kg का गाड़ी का कर्ब वेट दिया गया है। अगर बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो आपको 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और गाड़ी का अगर वेट की बात करें, तो वेट भी इसका 125 सीसी के हिसाब से थोड़ा सा हल्का देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स होंडा सीवी शाइन SP के डायमेंशन के बारे में। तो आपको 2007 mm की लेंथ दी जा रही है, 762 mm की वृत्त मिलती है, और 1085 mm की हाइट दी जा रही है। यानी कि हाइट के मामले में ये थोड़ी सी सीवी शाइन से आपको कम देखने को मिलेगी, और 1266 mm का व्हील बेस दिया जा रहा है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और 123 kg का गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट दिया गया है। 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं सीवी शाइन के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए जा रहे हैं फ्रंट के अंदर, और डायमंड चेसिस मिल जाती है। साथ ही में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और आपको CBS सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। साथ ही में आपको एलॉय व्हील दिए जा रहे हैं, 18 इंची एलॉय व्हील मिलते हैं। सेम साइज़ के टायर दिए गए हैं दोनों तरफ, और रियर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिए गए हैं, और ड्रम ब्रेक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसका साइज़ भी आपको मैं बता देता हूँ, 130 mm का दिया गया है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीवी शाइन SP के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, 18 इंची ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील्स के साथ में मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक दिए जा रहे हैं विद कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और जो आपको गाड़ी की चेसिस दी गई है वो आपको डायमंड मिलती है, और सेम साइज़ का टायर दिया जा रहा है। पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशंस दिए गए हैं, और ड्रम ब्रेक्स आपको रियर में मिलते हैं 130 mm के। तो अब बात करते हैं होंडा सीवी शाइन के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको फ्रंट में होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, फुल्ली क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, और साथ ही में आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एडजस्टेबल दिए जा रहे हैं। CBS की वायरिंग आपको मिल जाती है, ड्यूल स्पेक CBS की वायरिंग दी जा रही है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी में, इसलिए आपको ड्यूल वायरिंग देखने को मिलेगी। होंडा का जो बैजिंग है वो आपको मिल जाएगी, और होंडा का लोगो आपको फ्यूल टैंक के ऊपर दिया गया है, जिसकी तो बात ही कुछ और है।
और आपको HET टेक्नोलॉजी दी जा रही है, यानी कि होंडा इको टेक्नोलॉजी VS4 नॉर्म्स के साथ में ये गाड़ी आती है। सीबी शाइन की बेजिंग आप रियर में देख सकते हैं, सीबी शाइन DX। आपको स्टील हीट गार्ड भी इसके अंदर दिया गया है और मैंस फुटरेस्ट भी मिल जाता है। टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स जो हैं वो आपको नॉर्मल बल्ब दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स आपको सेम मिलते हैं और होंडा की बैजिंग आपको यहाँ पर रियर में भी दी गई है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको वुमेंस फुटरेस्ट भी मिल जाता है और आपको एक स्पेशल फाइबर ट्रे भी इसके अंदर दी गई है, जिससे कि जो लेडीज़ हैं उनको कंफर्टेबल फील हो बैठने में। और आपको रेड कलर के स्प्रिंग सस्पेंशन रियर के अंदर दिए जाते हैं, और कह सकते हैं कि स्टार्ट से लगा के एंड तक की जो बॉडी बनाई है वो फुल्ली ग्लोसी बनाई गई है। और आपको एनालॉग मीटर मिलता है, फ्यूल मीटर एनालॉग दिया जा रहा है, स्पीडोमीटर एनालॉग दिया जाता है, और आपको बीच में लाइट्स मिल जाएंगी न्यूट्रल की, हेड बीम्स की और इंडिकेटर्स की। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स होंडा सीवी शाइन SP के डिज़ाइन एवं लुक के बारे में। तो आपको साइड व्यू मिरर ब्लैक कलर में दी जा रही है, एनालॉग विद डिजिटल मीटर मिल जाता है, आपको एनालॉग स्पीडोमीटर दिया जा रहा है, डिजिटल में आपको फ्यूल मीटर ट्रिप मीटर मिलते हैं, और आपको साथ ही में डिजिटल टाइमिंग मीटर भी इसमें दिया गया है, यानी कि आपको टाइमिंग भी इस गाड़ी के अंदर शो कर दिया करेगी। और आपको न्यूट्रल की लाइट, इंडिकेटर्स की लाइट और हेडबीम्स की लाइट मिल जाती है। रीसेट करने का स्विच भी आपको दिया गया है, और पूरा जो कंसोल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और आपको इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट का स्विच भी मिल जाता है, और कह सकते हैं कि जो भी स्विचेज हैं सब मिलते हैं। चोक आपको हाथ में दी गई है, यानी कि आपको ये कार्बोरेटर इंजन इसके अंदर दिया जा रहा है BS4 नॉर्म्स का, और इसके अंदर भी आपको HET टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि होंडा इको टेक्नोलॉजी। पासिंग स्विच जो है वो भी इसके अंदर दिया गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो ये आपको इसके अंदर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन रखते थे वो डे टाइम रनिंग लाइट्स की रखते थे, वो आपको इसके अंदर नहीं दी जा रही, लेकिन आपको इसके अंदर AHO हेडलैम्प्स मिलते हैं। होंडा की बैजिंग और फुल्ली बॉडी ग्राफिक्स आपको दी जा रही है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। SP की बैजिंग आपको फ्यूल टैंक के ऊपर मिल जाएगी, और शाइन सीबी शाइन SP की बैजिंग आपको रियर में भी दी गई है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.